हिमाचल प्रदेश के जंगल अनछुए और खूबसूरत। ओक और देवदार के इन्हीं प्राचीन झुरमुटों में नजर न आने वाला वेस्टर्न ट्रैगोपैन पक्षी रहता है। वनों में इसके होने की केवल कल्पना ही की जाती है। इसे बियाबान में कभी फिल्माया नहीं जा सका है। हमारी टीम पहली बार दुनिया के इस सबसे दुर्लभ फेजेंट को ढूंढने और इसे इसके प्राकृतिक पर्यावास में फिल्माने निकली। वेस्टर्न ट्रैगोपैन भारत के पश्चिमी हिमालय वाले हिस्से में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू और चंबा इलाके में मिलता है। धरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इसके वो मुख्य पर्यावास हैं जो वैज्ञानिकों को ज्ञात हैं। हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इसके सबसे संरक्षित पर्यावासों में से एक है। ये 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला है और यहाँ इस ग्रह के कुछ घने और महत्वपूर्ण कुदरती पर्यावास मौजूद हैं। यहाँ हैरतअंगेज जैव विविधता देखने को मिलती है और इन पहाड़ों में अनेक प्रकार के पर्यावास भी हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के निचले हिस्सों में ओक और देवदार के घने जंगल हैं। ऊंचाई पर स्प्रूस और फर हैं, घास के मैदान हैं और फिर सबसे ऊंचाई पर बिना पेड़ों वाला बर्फीला इलाका है। ग्लेशियर्स यानी हिमखंडों से साफ सुथरी नदियों का जन्म होता है जो जंगलों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। छोटी छोटी जलधाराएं बड़ी नदियों का रूप धारण करती जाती हैं। GHNP में अनूठे और अनछुए बेहद पुराने जंगल मौजूद हैं। यहाँ प्रकृति का हैरतअंगेज रूप अपनी पूरी खूबसूरती में नजर आता है। ये विविध भूदृश्य ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को उन कुछ प्रजातियों के लिए रहने योग्य बनाता है जो इस ग्रह पर सबसे ज्यादा दुर्लभ हैं और खतरे से घिरी भी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दुर्लभ औषधीय पौधों का खजाना भी है। इन पौधों की सैकड़ों प्रजातियां इस जंगल में उगती हैं और बहुतों का तो अभी पता लगाया जाना बाकी है। जंगल से घिरे इस संरक्षित आशियाने में वेस्टर्न ट्रैगोपैन का घर भी है जो इन अनछुए वनों में काफी अंदर रहता है। घना वन बड़ी आसानी से इस पक्षी को छिपा लेता है। आपको इस पक्षी की आवाज तो आएगी मगर इसका नजर आना बेहद मुश्किल है। हमने इसे 2 साल से भी ज्यादा समय तक फिल्माने की कई कोशिशें की मगर इस बार हम इस तीतर को तलाशने के लिए गर्मियों में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आए। इस पक्षी को ढूंढना क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है इसलिए वन विभाग की मदद जरूरी थी। वन विभाग पिछले कुछ साल से ट्रैगोपैन और इसके पर्यावास का अध्ययन करता रहा है और उसके पास इस पक्षी को ढूंढने से जुड़े जरूरी सुराग हैं। हमने जंगल के ऊंचाई वाले हिस्सों तक पहुंचने के लिए मुश्किल इलाकों से चढ़ाई की। पोर्टर्स ने हमें रास्ता दिखाया। वो हमारे लिए टेंट और अगले कुछ हफ्तों के लिए खुराक वगैरह लेकर गए। पोर्टर स्थानीय गांव वाले होते हैं जो इलाके को समझते हैं। वो ये भी बखूबी जानते हैं कि जंगल में तीतर को कैसे ढूंढा जाए। Hallelujah.
Well, we've finally made it up to Chhordwar after about a two-day hike. Up, I think we're about 18 odd kilometers from Gusheni, where the national park starts. So we're in the middle of the Great Himalayan National Park in search of the tragopan. ट्रेगोपैन के साथ कई किस्से कहानियां जुड़ी हुई हैं। यहां लोगों का मानना है कि ईश्वर ने तीतर को दुनिया के हर पक्षी का पंख लेकर बनाया है। स्थानीय तौर पर इसे जूजू राना कहते हैं, यानी पक्षियों का राजा। यहां लोग फेजेंट यानी तीतर को और उसके पर्यावास को बचाने का महत्व समझते हैं। सर्दियों के दौरान ट्रेगोपैन चौड़े पत्तों वाले वनों में रहता है और गर्मियों में ऊंचाई वाले टेम्परेट वनों में चला जाता है। गर्मियां प्रजनन का मौसम है और यही वो समय है जब नर पक्षी मादा को प्रणय के लिए पुकारता है, और वो कहां है इस बात का पता चलता है। वो ये आवाज अपने साथी के लिए लगाता है, मगर हमारे लिए तो ये किसी जीपीएस सिस्टम की तरह है जिसके जरिए हम इस परिंदे के घोंसले का पता लगा सकते थे। ट्रेगोपैन सुबह सुबह कुछ मिनट तक ही अपने साथी को आवाज लगाता है। टीम शाम ढले लौट आती है। आज किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ट्रेगोपैन पेड़ों में ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है, जिनकी ऊंचाई करीब 100 फुट तक होती है। लेकिन ये पक्षी अपनी खुराक जमीन पर लेता है। बांस की कोंपलें इसकी पसंदीदा खुराक हैं। ये बीजों और छोटे कीटों को भी खाता है। बांस की घनी घास इसके छिपने के लिए एकदम उपयुक्त जगह होती है। हमने खुद को जंगल में छिपाने के लिए हाइड्स का इस्तेमाल किया। हाइड में छिपने के बाद तो अब हमें घंटों तक इंतजार करना था। This morning was the big moment when we heard the tragopan really, really close, and then we heard it fly away. Didn't see it, but it flew away, and we kind of lost hope at that point. But half an hour later, we heard this clucking sound which kept getting closer, and then it just appeared, like almost out of nowhere, from behind this bush. Couldn't swing the camera around in time, but I saw it kind of head up the hill. And it was quite a sight, this red, flash of red in this very green, dense forest. And it disappeared into the undergrowth. So the plan now is to head back, set up two hides, one higher up the hill
one lower down where we saw it this morning and kind of hope for the best. पक्षी की मौजूदगी दर्शाती है कि ये वन एक स्वस्थ पर्यावरण प्रणाली है। अगर यहाँ कोई छेड़खानी हुई तो ट्रेगोपेन यहाँ प्रजनन नहीं कर पाएगा। रोजाना सुबह इस पक्षी के प्रणय निवेदन को सुनकर हमें भरोसा हो गया कि इस इलाके में ट्रेगोपेन की अच्छी खासी आबादी है, पर हम जानते थे कि हमें किस्मत के अलावा भी कुछ और चाहिए। जंगल में उन 6 अलग अलग जगहों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए जहां इस पक्षी के आने की उम्मीद थी। यहां इंसान की मौजूदगी न होने से कैमरा ट्रैप शायद फिल्म पर ट्रेगोपेन को दर्ज कर सकते थे। हमने हफ्तों तक कैंप में इंतजार किया। मगर कैमरा ट्रैप्स ने जंगल की जमीन पर रोशनी के बदलते कोणों और वहां रहने वाले अन्य जीवों को ही रिकॉर्ड किया, जैसे कि हिमालय का भूरा भालू, तेंदुआ, हिमालयन घोरल और मोनाल। हमारी दूसरी टीम साराहन में वन विभाग द्वारा स्थापित वेस्टर्न ट्रेगोपेन का प्रजनन केंद्र देखने गई। यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इस पक्षी को देखा और पालतू दशाओं में इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसका मकसद है तीतर को पालतू दशाओं में प्रजनन करने देना और जंगल में इसकी आबादी में बढ़ोतरी करना। 2011 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वेस्टर्न ट्रेगोपेन के पर्यावास और व्यवहार को समझने के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की महारत का सदुपयोग किया। On a broader level, the project where I'm involved in involves study of both wild birds and those birds which are housed in captivity. So for the wild birds, we conduct field surveys, we study the movement patterns in the birds, and we also try to map the distribution of the birds in the entire Himachal Pradesh. Whereas for the captive part, what we do is mainly to look at the way the birds behave in the captive conditions. So our approach for the study would be to look into the ecology of the birds in the wild, as to what they get in the wild, and we try to mimic the situations here into something like what we have in the wild. So basically we are trying to create naturalistic conditions for the birds so that they experience less stress of being held captive. ऐसे में ये जरूरी था कि बिल्कुल जंगल जैसा ही माहौल तैयार किया जाए ताकि ये पक्षी प्रजनन कर सके। इसके छिपने के लिए वनस्पति हो और ये सुरक्षित महसूस करे। ये पक्षी किसी बीमारी या वायरस का शिकार ना हो जाए, इसलिए बेहद सफाई रखी जाती है। पक्षियों को सही पोषण उपलब्ध कराने के लिए खुराक बहुत ही ध्यान से तैयार की जाती है। ट्रेगोपेन का पालतू दशाओं में प्रजनन कराना एक बड़ी चुनौती है। इन शर्मीले जीवों को प्रजनन के लिए पूरी तरह तनाव मुक्त माहौल चाहिए होता है। वेस्टर्न ट्रेगोपेन का प्रणय से जुड़ा डिस्प्ले बहुत ही अनोखा होता है। अगर सिर्फ आंखों से इसे देखें तो ये चंद सेकंड में ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी टीम ने स्लो मोशन कैमरे का इस्तेमाल किया ताकि ये दिखा सकें कि आखिर इन चंद कीमती सेकंड्स में क्या होता है।
पहले नर मादा को ढूंढता है और फिर इंतजार करता है कि उसका ध्यान कब इसकी तरफ आकर्षित हो। चटक रंगों वाले दो सींग तन जाते हैं और चमकदार रंग वाला बिब जैसा एक लेपिट इसके गले के नीचे लटका होता है। इस बार मादा ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये इस महीने अपने इस डिस्प्ले को जारी रखेगा और किस्मत ने साथ दिया तो इसके चूजे जल्दी ही जन्म लेंगे। ट्रैगोपैन पक्षी का प्रजनन पालतू दशाओं में कराना एक बड़ी चुनौती है। इन शर्मीले पक्षियों को प्रजनन के लिए पूरी तरह तनाव मुक्त वातावरण चाहिए। इधर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में हम अब भी ट्रैगोपैन का इंतजार कर रहे थे। जितना हम इन्हें ढूंढ रहे थे, इस काम में उतने ही व्यस्त थे हमारे पोर्टर्स। Still around the Shordwar area, down to about 3 batteries, and back to this particular tree where we saw a trigopan roosting last evening. We waited it out. Unfortunately, he didn't come down. He flew in the opposite direction. इस समय का सदुपयोग उसके घोंसले वाली संभावित जगहों की खोजबीन और निशानदेही में किया गया। चढ़ाई के दौरान फॉरेस्ट ऑफिसर को मोनाल का एक छोड़ दिया गया घोंसला मिला। मोनाल भी एक बेहद शर्मीला पक्षी है और शायद जब किसी बड़े शिकारी ने इसे परेशान किया होगा तो यह अपने अजन्मे चूजों को छोड़कर चला गया होगा। पिछले कुछ दिनों से आसमान सुरमई होने लगा है। बारिश के लक्षण चिंता में डालने वाले हैं। बारिश की वजह से पक्षियों का बोलना बंद हो सकता है और हमें और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। किस्मत ने साथ दिया और सूरज फिर निकल आया, लेकिन अब तक कई हफ्ते बीत चुके थे और हमारी उम्मीद कम होती जा रही थी। कैमरा ट्रैप्स को नीचे ले आया गया। मौसम बदलने में बस कुछ ही दिन बचे थे। हमें अपनी किस्मत आजमाने के लिए तब एक और साल इंतजार करना पड़ता। This was yesterday, ये कल है और ये शाम को हुआ। फर्स्ट नाइट का रात कुछ हुआ नहीं था, ये पहला हमने सेटअप किया था।
perfect. Oh, good. Yes! God! स्थानीय समुदाय अपनी रोजी और संसाधनों के लिए हमेशा से वनों पर निर्भर रही है। वो चरागाहों में अपने पालतू मवेशियों और भेड़ों को चराते रहे हैं, जंगल से मिलने वाली चीजें इकट्ठी करते रहे हैं और औषधीय पौधों का इस्तेमाल करते आए हैं। आज अपने पर्यावास की तबाही की वजह से वेस्टर्न ट्रैगोपैन खतरे में है, क्योंकि अब नई सड़कें बनने के कारण इन दूर दराज रहे वनों तक पहुंच मुमकिन हो पा रही है। बढ़ती इंसानी आबादी और विकास प्रक्रिया इस संरक्षित पर्यावास पर अपना विपरीत असर डाल रही है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन और इसके नाजुक पर्यावास का संरक्षण वन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्थानीय समुदायों के लिए रोजी के वहनीय अवसर पैदा करने के वास्ते वन विभाग ने BTCA का गठन किया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के आसपास कई स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं ताकि महिलाओं को उनमें शामिल किया जा सके। उनके पास बुनने और अन्य कलाओं जैसा पारंपरिक ज्ञान है, जिसे रोजी रोटी पैदा करने के स्रोत के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्टिंग से बनने वाली कंपोस्ट को वन विभाग को बेचा जाता है। महिलाएं रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांस का रस बनाती हैं, जिसे सैलानियों को खरीदना बहुत अच्छा लगता है। पुरुषों को इन ट्रैकरों और कैंपरों के लिए स्थानीय गाइड के तौर पर ट्रेन किया जाता है, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आते रहते हैं। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार संबंधी जो ऐसे विकल्प निकाले गए हैं, उनसे उन्हें वनों का महत्व समझ आने लगा है। अब वो खुद इस पार्क और यहाँ के वन्य जीवों के रखवाले बन गए हैं। वेस्टर्न ट्रैगोपैन के बारे में सुनने को तो अक्सर मिलता है, मगर यह दिखता दुर्लभ ही है। वैज्ञानिकों को अभी इस बारे में काफी कुछ जानना है, क्योंकि हमें अभी इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न ट्रैगोपैन के आखिरी अनछुए पर्यावासों में से एक है। इस पक्षी की मौजूदगी बनी रहेगी तो इन वनों का बचा रहना भी सुनिश्चित हो पाएगा। ये जरूरी है कि उन अनूठी और दुर्लभ प्रजातियों के महत्वपूर्ण पर्यावासों को सुरक्षित रखा जाए, जो इन पहाड़ों को इस पृथ्वी पर एक जन्नत जैसा बनाती हैं।